Assalamualaikum everyone, my name is Arif from TechJuice HQ. First of all, आप सबको रमज़ान मुबारक. आज हम जिस कंपनी के फ़ोन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली कंपनी चाइना बेस्ड है. Supposedly it's called the Apple of China. It makes high-end looking phones, but on a very low cost. Basically, बहुत आप चीप इसको purchase कर सकते हैं, but they look really nice. The company name is Xiaomi. Company काफ़ी last year पाकिस्तान में ये लॉन्च हुई थी. They launched 4 phones. इस दफ़ा इन्होंने एक फ़ोन लॉन्च किया है रेडमी 4X. तो आज हम उसका अनबॉक्सिंग करते हैं. तो लेट्स टॉयलेट पैकिंग है. होपफुली आप लोगों का भी रोज़ा अच्छा गुजर रहा होगा जिसका मेरा गुजर रहा है जी. पैकिंग हम पहले ओपन करते हैं. सबसे पहले हमारे पास एक वारंटी कार्ड है. कंपनी जो पाकिस्तान में इसको लेके आई है वो स्मार्ट लिंक है. तो स्मार्ट लिंक इसकी वारंटी प्रोवाइड कर रही है. बॉक्सिंग फ़ोन इज प्रिटी सिंपल. आप देख सकते हैं इसके अंदर अगर बेसिकली बिल्कुल वाइट है. उसके ऊपर अगर अभी जब हम लेयर उतारेंगे तो आपको थोड़ा सा और शायद विजिबल क्लोजअप भी आपको दिखाएंगे. क्लोजअप में आप देख सकते हैं कि यहाँ 4X बेसिकली बड़ा सा उन्होंने करके एम्बॉस सा लिखा हुआ है. और इसके ऊपर इस तरह से प्लास्टिक की एक लगी हुई है लेयर. इसको हम ओपन करते हैं. फूल जाती है ना जैसे आपको नया नया फ़ोन आता है और ऊपर से आप लेयर उतारते हैं तो लोग कहते हैं नहीं ना उतारो ना उतारो. तो हमें यह मौका मिलता है यहाँ. सो फर्स्ट लुक फ़ोन जैसे के बाद है प्रिटी सिंपल. बॉक्स आपके स्पेक्स मौजूद यहाँ पे मेन लिखी हुई है. रैम 3GB, रोम 32GB, अदरवाइज प्रिटी नॉर्मल. तो जैसे कुछ डिटेल्स मौजूद हैं. फ़ोन बाहर निकालते हैं. बॉक्स ओपन करते ही आपको तो नज़र आता है कि बहुत स्लीक सा एक फ़ोन है हमारे पास. ब्लैक मेटेलिक फिनिश है बट मैट फील हल्की सी आ रही है इसके ऊपर. हम इसके ऊपर वी कैन सी दो बटन्स हैं, एक वॉल्यूम के और बाकी एक पावर का बटन है. उसके अलावा इट्स अ प्रिटी सिंपल फ़ोन. हम इसको ऑन करते हैं और बाकी उस वक्त जब तक ऑन होते हैं हम बाकी बॉक्स की अनपैकिंग करते हैं. दैट वी हैव ए सिंपल पैम्फलेट. उसके अंदर फ़ोन का डिज़ाइन मौजूद है हमारे पास. बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सिम कहाँ भी डलनी है, क्या है, क्या है, बेसिक बॉडी वेट वगैरह एंड एवरीथिंग. बॉक्स एक हमारे पास डेटा केबल मौजूद है इसके साथ वाइट रंग में. एंड वी हैव वन पावर चार्जर. दैट वी हैव ए सिम इजेक्टर यूज होता है. एंड वी हैव एंड अपेरेंटली देर आर नो हैंड फ्री विद दिस फोन. सो दैट्स अ बिट ऑड बट यू नो आई गेस चलो कंपनी की मर्जी है. फोन बेसिकली अब हमारे पास ऑन हो रहा है. अब इसकी तरह हम जो मेन चीज है बहुत अच्छी फील आती है. इसके बैक में भी है. जैसे कि फ़ोन देख सकते हैं आप स्टार्ट हो चुका है. इसको हम अगर ओपन करते हैं तो इस फ़ोन के बेसिकली जो उन्होंने एडवर्टाइज में मेन फोकस करते हैं वो तीन चीज़ें हैं. इनकी ड्यूल ऐप सिस्टम, एक सेकंड स्पेस और इनकी बैटरी. बैटरी इसमें दे हैव सेड कि इट्स 4100 mAh. सो दैट्स प्रिटी गुड बिकॉज आजकल काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है. हम सोशल मीडिया ऐप्स वगैरह बहुत यूज़ करते हैं उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हमें रिक्वायरमेंट होती है एक बड़ी बैटरी की. सेकेंडली एक ऑप्शन इसमें आती है ड्यूल ऐप. जिस वक्त आप सेटिंग्स में आते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन है ड्यूल ऐप के नाम से. आप ऐप को दो हिस्सों में कर सकते हैं या ड्यूल ऐप्स की ऑप्शन आती है इसको आप करते हैं. आपसे वहाँ पूछेगा जो जो ऐप्स फॉर एग्जाम्पल इसमें स्टॉक में फेसबुक ऐप अवेलेबल. आप उसको करेंगे ऑप्शन ऑन करेंगे क्रिएटिंग ड्यूल ऐप. इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि कुछ लोग बिजनेस में फेसबुक वगैरह को यूज़ करते हैं, कुछ प्राइवेट होते हैं, तो आप एक वक्त में दो अकाउंट्स ला सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम. अब जैसे कि यहाँ देखेंगे एक ये ऐप यहाँ पे सिंपल आ गया, इसका मतलब ये दूसरी ऐप बन गई, एक आपकी यहाँ पहले मौजूद है. ये एक बहुत बड़ा फीचर इसके पहले. दूसरा ये होता है कि कई दफ़ा आपका फ़ोन आप ऑफिस में यूज़ करते हैं, पब्लिकली यूज़ होना होता है, किसी के साथ फ़ोन शेयर करना होता है वहाँ पर, तो इनका एक यहाँ फीचर अगर आप ऊपर जाते हैं यहाँ पर ना सेकंड स्पेस के नाम से. सेकंड स्पेस जब आप ओपन करते हैं तो फ़ोन को बेसिकली वो स्प्लिट करते हैं दो में. आपके जो फ़ोन के सारे रिसोर्सेज हैं वो दो में डिवाइड हो जाते हैं.
तो इट्स क्रिएटिंग सेकंड स्पेस। काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा होता है। कई दफ़ा मैं खुद भी जब ये दफ़ा यूज़ किया तो इस चीज़ का काफ़ी नुकसान होता है या मुश्किल होती है। कई दफ़ा जब आपको किसी को फ़ोन देना होता है तो आपका प्राइवेट डेटा उसमें पड़ा होता है, तब आप जैसा कि देख सकते हैं कम्प्लीटली सिस्टम डिफरेंट सिस्टम, उसके अंदर हर चीज़ अवेलेबल है विदाउट एनी प्रॉब्लम। आप किसी को फ़ोन देंगे, इसको आप पासवर्ड प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कहते हैं सेटअप सेकंड स्पेस, पासवर्ड उसके डिफरेंट होंगे, फर्स्ट के डिफरेंट है, सेकंड के डिफरेंट, तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है इसके अंदर। तो ये तीन मेन फोकस्ड फीचर्स हैं इस फ़ोन के अंदर। अगर आप देखें तो बहुत सिंपल फ़ोन है, बहुत एलिगेंटली मेड है। जिस प्राइस टैग के अंदर ये फ़ोन अवेलेबल है उस प्राइस टैग के हिसाब से इट्स प्रिटी नाइस। 3.5 mm जैक है, उसके अलावा आपके पास इन्फिनिट सेंसर, आई थिंक एक रिमोट कंट्रोल यूनिवर्सल रिमोट की ऑप्शन दे रहे हैं। नीचे आपके पास एक एंड्रॉयड केबल के थ्रू चार्जिंग की अवेलेबल है। फिंगरप्रिंट सेंसर बैक के ऊपर आपके पास अवेलेबल है एक कैमरा। डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन में आपको बताता चलूँ, इसमें यह एक चीज़ अवेलेबल है कि 13 megapixel कैमरा बैक कैमरा, 5 megapixel फ्रंट कैमरा। उसके अलावा आपके पास 3 GB रैम, 32 GB रोम अवेलेबल है, 5-inch डिस्प्ले इसका है। तो ऑल इन ऑल वंस अगेन इट्स प्रिटी नाइस फ़ोन फॉर द प्राइस टैग दे आर गिविंग। तो आई गेस ये क्यू मोबाइल को काफ़ी कॉम्पिटिशन देने वाले हैं। तो लेट्स सी क्या बनता है इसका। सो आई होप यू लाइक आर वीडियोज़। अगर पसंद आए इसको लाइक लाजमी करें। इफ़ यू लाइक टू सी मोर ऑफ आर वीडियोज़ डू गिव अ सब्सक्राइब बाई क्लिकिंग हेयर। अगर कोई आप जहन में कॉमेंट्स हैं, रिव्यूज़ हैं, तो कॉमेंट बिलो, वी लव टू हेयर फ्रॉम यू।